आज भी हम कथा आरंभ करेंगे माँ चंद्रघंटा के श्लोक से। पिंड च प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केरुता प्रसादं तनु देमायं चंद्रघंटे दिविश्रुता। देवी चंद्रघंटा का रंग सुनहरा है। उनके 8 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तीर धनुष, एक में कमल, एक में घंटा और एक में कमंडल। बाकी 2 हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं। अभय मुद्रा में हैं। उनका वाहन शेर है। उनके माथे पर 3 आंख है और वह 1/8 चंद्र पहनती हैं। महादेव ने जब देखा कि पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही है, इतने कष्ट उठा रही है, तो वे भावुक हो गए। सर्वप्रथम महादेव ने अपना वैराग्य त्यागा और देवी पार्वती को वचन दिया कि वे किसी और स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। वैराग्य अर्थात जब अपने आसपास के संसार से अपने आप से कोई लगाव मोह नहीं रहता, हर दशा और दिशा एक सी लगती है, पाने और खोने के गणित से मन मुक्त हो जाता है, उस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। तो महादेव जी ने वैराग्य को छोड़ा पार्वती से विवाह के लिए, क्योंकि यदि प्रेम नहीं होगा या लगाव नहीं होगा तो उस विवाह का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद महादेव और देवी पार्वती के विवाह की शुभ घड़ी आई। भस्म लगाए महादेव अपने नंदी बैल पर सवार होकर राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ बारात लेकर आए। उनकी बारात में देव, मनुष्य, भूत पिशाच, ऋषि मुनि सब थे। महादेव का ये औघड़ रूप देखकर देवी पार्वती की माँ अचेत होकर गिर पड़ी। तब दोनों का विवाह कैसे हुआ? दद्दा की तरह माता पार्वती ने अपनी माँ की चिंता दूर करने का एक उपाय सोचा। तो देवी पार्वती ने क्या उपाय ढूंढा? उन्होंने देवी चंद्रघंटा का एक बड़ा ही मोहक रूप धारण किया और महादेव को मनाया कि वो भी एक मोहक रूप धारण करें। महादेव का ये नया रूप सुंदरेश्वर के नाम से जाना गया। यदि महादेव चंद्रेश थे तो देवी पार्वती थी चंद्रघंटा। उन्होंने वैरागी अघोरराज शिव को पूरी तरह गृहस्थ बना दिया। इस तरह राजा हिमवान और रानी मैनावती के आशीर्वाद से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में जब देवी चंद्रघंटा और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो उनके घंटे के ध्वनि ने हजारों असुरों का संहार किया। वो सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती है ताकि असुरों का संहार कर सके। उनकी दया से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। यदि कोई भक्त दैवीय सुगंध और विभिन्न ध्वनि सुनता है तो उस पर उनकी दया होती है। इतनी कथा देवी चंद्रघंटा की। बोल माँ चंद्रघंटा की।